इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और मुंबई से इस वक्त उद्धव कैबिनेट के मंत्री असलम शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर असलम जी। इस वक्त जो महाराष्ट्र की स्थिति हम देख रहे हैं और खास तौर पर मुंबई की, तो बहुत तेजी से पलायन हो रहा है, डर है लोगों में। देखिए, पिछली बार जब लॉकडाउन केंद्र सरकार की तरफ से हुआ था तो उसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं की गई थी। इस बार ही हम लोग जो हैं पिछले दो महीने से जो है जब गाइडलाइंस हम स्ट्रिक्ट करते चले गए तो वो सारी कम्युनिटी के साथ में चर्चा करके ये बनाई गई है कि अगर हम ये कड़क गाइडलाइंस लाते हैं, ब्रेक द चेन, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें सामने पिछली बार ही आई थी उसको सामने ध्यान में रख के बनाया गया। इसलिए हम आने कोई ट्रांसपोर्टेशन जो है बंद नहीं रखी है, ट्रेन भी जो है हमने बंद नहीं रखी है, और लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनके पास भी जो जाना चाहेंगे वो अपनी ट्रेन की टिकट दिखा देंगे तो उनको जो है रास्ते में ट्रैवल करने का अनुमति दी जाएगी। तो ये जो पिछली बारी के जो लोग पैनिक हुए तो उन्हें पता नहीं था, इसलिए कुछ लोग जा रहे हैं। आज SOPs जो है लगभग सारे चैनल्स दिखा, सारे रीजनल चैनल्स ने दिखाना शुरू कर दिया है कि क्या चालू रहेगा, क्या बंद रहेगा, किस पे कड़क रिस्ट्रिक्शन लाए गए हैं। ग्रोसरीज की दुकान जो है खुली रहेगी, टेक अवे पार्सल्स जो हैं वो 24 घंटे चलेंगे। यानी पिछली बारी होटल्स वगैरह भी एकदम से बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से जो ये माइग्रेंट वर्कर है जो छोटी मोटी होटल्स में खाना खाते हैं उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। ट्रेन्स बंद हो गई थी, तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन की बहुत सारी फैसिलिटीज बंद होने से लोगों में एक हैवॉक हो गया था जो इस बारी आपको दिखाई नहीं देगा। अच्छा असलम शेख जी, 24 घंटे का वक्त जो लोगों को मिला है, मैं चलिए प्रवासी मजदूरों से ही शुरू करती हूँ, क्या वो काफी है? और पिछली बार हमने देखा था, पिछले साल का अगर जिक्र करें, बहुत भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी, लोगों को लगा शायद ट्रेन चलेगी लेकिन ट्रेन चली नहीं, वहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ देखने को मिली, खासकर प्रवासी मजदूरों की। तो इस तरह की भ्रम की स्थिति पैदा ना हो और वक्त से वो अपने गाँव पहुंच सके, टिकट में कोई मारामारी ना हो, इसके मद्देनजर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, राज्य सरकार ने? सरकार ने क्लियर कट जो है, आप अगर SOPs देखेंगे उसमें कोई भी ट्रांसपोर्टेशन को बंद नहीं किया है और ट्रांसपोर्टेशन को 50% पे रखा हुआ है। पिछली बारी लोग अपने कमरों में कैद जैसे हो गए थे, ट्रेनें बंद हो गई थी, प्लेनें बंद हो गई थी, और जो लोग जाना चाहते थे वो नहीं जा पा रहे थे, और लोगों में एक ये हो गया कि क्या करना है क्या नहीं करना। और हम पिछले दो महीने से आस्ते करके क्या चीज़ शुरू रहेगी क्या चीज़ बंद रहेगी उसके ऊपर हम नियंत्रण लेके आए। आपने देखा कि आखिर में हमने एक नाइट में जो है बाहर आना जाना कम्प्लीटली बंद कर दिया था, फिर उसको हमने दिन में भी उसको लगभग और रिस्ट्रिक्शन कड़क किए थे। आप इससे बड़े असलम जी ब्रेक द चेन बोलेंगे, लेकिन अभी भी ये कुछ लॉकडाउन जैसा ही समझ में आता है। SOPs थोड़े से बदले जरूर हैं, इसलिए लोगों के मन में डर भी है। हम अस्पतालों की स्थिति पर आते हैं असलम जी, इस वक्त बड़े अस्पतालों में पैनिक की सिचुएशन नजर आ रही है, आपने इससे काउंटर करने के लिए क्या तैयारियां की हैं? देखिए, मुंबई शहर के अंदर हमने सबसे पहले जेम्बो फैसिलिटी शुरू की जब एक कोरोना की लहर आई थी इस देश के अंदर, तो हमारा वो शहर था जिसने सबसे पहले जेम्बो फैसिलिटी शुरू की और एक ही महीने में हमने उसको प्रयोग में भी लाया, जिसको देख के बाकी के राज्यों ने भी किया है। आज की तारीख में भी हमारे पास महानगर पालिका की जेम्बो फैसिलिटीज में बेड्स अवेलेबल है। आज हम 1200 बेड्स जो हैं वो नेस्को जो हमारा गोरेगांव में वहाँ पे डाल रहे हैं। दो दिन पहले हमने और 4 जेम्बो फैसिलिटीज़ जो है वो मुंबई शहर में हमने बनाने का निर्णय लिया है। यानी एक महीने से डेढ़ महीने के अंदर 5300 नए बेड हमारे पास तैयार हो जाएंगे, जिसमें 70% जो है वो ऑक्सीजन जनरेटेड होंगे, 200 जो है करीबन जो है वो ICU के होंगे। यानी आने वाले लॉकडाउन के बाद हमें पूरी तरीके से मुंबई खोलना है, पूरी तरीके से राज्य को खोलना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हेल्थ का वो भी हम बड़े पैमाने पे तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल असलम जी, और महाराष्ट्र के लिहाज से बात की जाए तो सबसे ज्यादा मामले यहीं से सामने आ रहे हैं, 50% से ज्यादा मामले देश के महाराष्ट्र से हैं, और ऐसे में विपक्ष आप पर ये आरोप लगा रहा है कि जो सिंगल वेज डेली वेज वर्कर्स हैं, जो दिहाड़ी वाले लोग हैं, जो फूल वाले लोग हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। देखिए, मैं तो विरोधी पक्ष के जो लोग हैं उनसे ये विनती करूंगा कि जब केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन किया था
तब किसी भी मजदूर के बारे में या किसी भी व्यापारियों के बारे में या किसी भी कमज़ोर तबके बारे में सोचा नहीं गया था। लेकिन मैं उन पर आरोप नहीं लगाता, उनसे कहूँगा कि अपनी बुद्धि वापरें, अपना जो पॉलिटिकल ये है, उनकी ताकत है, वो दिल्ली में वापरें। और जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में इस तरीके से लॉकडाउन या स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन की परिस्थिति आती है, तो केंद्र सरकार की तरफ से भी पेंडेमिक के नाते जो है वो मदद करे। आज हमने ये स्थिति लाने से पहले हमने शिव भोजन की थालियों बढ़ाने का काम किया, हमने करीबन करोड़ों लोगों को राशन देने का निर्णय लिया है, हम जो रिक्शा चलाते हैं जिनके पास परमिट है उनके खाते में पैसे देने के काम किए हैं। यानी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के हमने ये शुरू किया है। उसके अलावा हमने होटल्स और ये सारी चीज़ें बंद नहीं की, ताकि जो लोग कमाई करते हैं उनको खाने के, कई लोग जो हैं मुंबई शहर में खास करके जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो छोटी छोटी होटलों में खाना खाते हैं, उसमें हमने टेक अवे का जो है फैसिलिटीज़ रखा हुआ है। तो ये जो दौर है ना, ये एक दूसरे पर राजनीति का नहीं है। मुंबई शहर और महाराष्ट्र ये पहला ऐसा मतलब निर्णय लिया है जहाँ पे कुछ पैकेज देने का काम किया है। आप बता दें पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य ने इस तरीके का पैकेज जाहिर किया के बाद। बिल्कुल असलम जी, आप अपनी तरफ से भले प्रयास कर रहे हो, लेकिन एक भय की स्थिति तो, क्योंकि पिछले साल की जो स्थिति देखी थी इन डेली वेज वर्कर्स ने, उस वजह से इस बार भी एक भय की स्थिति है। बहरहाल हम एक बार फिर से अस्पतालों के सिस्टम पर आते हैं, क्योंकि दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि एक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी इस वक्त पूरे देश में अलग अलग जगह पर देखी जा रही है, खासतौर पर महाराष्ट्र और मुंबई की भी बात कर ले, कालाबाजारी इसकी हो रही है, तो इसे किस तरीके से आप ठीक करेंगे? और दूसरी बात ये कि ऑक्सीजन वाले बेड्स की कितनी संख्या आप बढ़ाने वाले हैं? नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि जो 5,300 बेड्स जो हम नए तैयार कर रहे हैं उसमें 70% जो है वो ऑक्सीजन जनरेटेड बेड होंगे, और उसके बाद में हर जो जंबो फैसिलिटी उसमें 200 आईसीयू के होंगे। यानी ऑक्सीजन के रिलेटेड ही ज़्यादातर हम बैग्स बना रहे हैं, ताकि जो पहले प्राइमरी जो इफ़ेक्ट होता है कोरोना से, उसकी सबसे पहले जो इफ़ेक्ट आता है वो उसके सांस लेने में आता है, तो उसको अगर पहले इसमें ही ऑक्सीजन सही तरीके से मिल जाए तो वहीं ठीक होकर चले जाता है। यानी 85% जो लोग होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक ही ये सेकेंड वेव के अंदर मुंबई और महाराष्ट्र में दिखाई दिए, और उसी की वजह से शुरुआत में लोग पैनिक होके जो है वो हॉस्पिटल में अपने आप को एडमिट करने लगे, जिसकी वजह से महानगर पालिका को जो है एक सर्कुलर निकालना पड़ा कि हमारे जो वार्ड्स हैं महानगर पालिका के मुंबई शहर के अंदर, उस पर 24 घंटे हमने जो है कॉल सेंटर शुरू किए, और कॉल सेंटर से हम सारे पेशेंट्स को जो है वो मॉनिटर कर रहे थे, और मॉनिटर करने के बाद में उनको ज़रूरत हो तो उनको जो है एडमिशन दिलाने का काम सरकार अपनी तरफ से कर रही थी। अब कुछ लोग जो है अपना इन्फ्लुएंस लगा के अपने आप को एडमिट करने लगे, इसीलिए हमको सर्कुलर निकालना पड़ा। उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये चल रही है, इसके लिए हम और कोशिश कर रहे हैं कि जिनको ज़रूरत है वही एडमिट हो। आपने देखा होगा कि पहले जब वेव आया था तो इतनी लोगों में घबराहट थी कि पड़ोसी पड़ोसी से लड़ने लगा, रिश्तेदार से लड़ने लगा, वीडियो इस तरीके से व्हाट्सएप और मैसेजेस में घूमने लगे, फेसबुक में ऐसा दिखाने लगा कि ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन आज की तारीख में अगर किसी को होता है तो कोई ये उसको सपोर्ट करता है। रेमडेसिविर के बारे में भी आप जानकारी दे दें कि कालाबाजारी इसकी बहुत धड़ल्ले से हो रही है, ये सही व्यक्ति तक पहुंचे ये इंजेक्शन, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? रेमडेसिविर की जो कभी हुई महानगर पालिका और हमारे सरकारी अस्पतालों में नहीं हुई, प्राइवेट अस्पतालों में जो है वो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो पेशेंट्स को उन्होंने देना शुरू किया, जिसके वजह से रेमडेसिविर की कालाबाजारी बढ़ी। अब दो दिन पहले सरकार ने जो है वो नया एक जीआर निकाला हुआ है कि अब जो है वो डायरेक्ट जो है हॉस्पिटल्स को ही जो है रेमडेसिविर दिया जाएगा, और बड़े अफसोस की बात है कि इस राज्य में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स है और यहाँ पर रेमडेसिविर नहीं मिल रहे थे, जबकि गुजरात के अंदर जो है वहाँ पर कई दूसरे पार्टी के लोगों ने जो है अपनी तरफ से बांटने का शुरू किया था। तो ये जो रेमडेसिविर को एक्सपोर्ट करने का जो बारे में भी जो है हमारी सरकार ने केंद्र सरकार को लिखा था कि इनको जो लाइसेंस और भी कंपनीज को दिया जाए और भी मैन्युफैक्चरर्स तैयार किया जाए ताकि वो बना सके और इसकी कमतरता नहीं हो। अभी 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 अगर महाराष्ट्र की बात की जाए और खासतौर पर मुंबई की बात की जाए, जितनी जरूरत है क्या उतने इंजेक्शन आपके पास अवेलेबल है? नहीं, जितनी सरकारी अस्पतालों में तो जहाँ पे मोर देन 60% से ऊपर पेशेंट्स है वहाँ पे तो कभी कभी हुई नहीं है। लेकिन हाँ, आज भी जो है अफरा तफरी थोड़ी सी है, वो आने वाले एक दो दिन के अंदर जो है पूरा स्ट्रीमलाइज हो जाएगा,
और डायरेक्ट जो है वो हॉस्पिटल्स को ही देने का इस तरीके से सरकार ने आदेश निकाला। इसके अलावा अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई कालाबाजारी करने का काम करता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करना शुरू कर। चलिए उम्मीद करते हैं कि जैसा आप कह रहे हैं वैसा होगा। कोरोना की इस वेव की अगर हम बात करें तो पिछली से ज्यादा खतरनाक है। ये वाला वेरियंट लोगों को ज्यादा परेशान कर रहा है और यही कारण है कि जो मौत का आंकड़ा है वो पिछले साल से ज्यादा है। अस्पतालों में मॉर्चरी में शवों को रखने की जगह नहीं है। शमशान घाट कब्रिस्तानों की बात करें असलम जी, तो वहां पर वेटिंग चल रही है, लकड़ी का इंतजाम नहीं है। ऐसे में आपकी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? देखिए, हमारे मुंबई शहर के अंदर बहुत जगह पे जो है वो गैस के क्रेमेटोरियम है, और आपको बता दूं कि पिछली बार ही जो आया था उसमें मोर्टैलिटी ज़्यादा थी, उसमें लोगों की जानें ज़्यादा आ रही थी। ये जो सेकेंड वेव है इसके अंदर इफ़ेक्ट लोग ज़्यादा हो रहे हैं, यानी जो इफेक्शन है जो लोगों को संक्रमण कर रहा है यानी वो ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। डेथ रेट जो है वो कम है कुछ जिले को छोड़ के, तो उसके हिसाब से अभी तक का किसी क्रेमेटोरियम में बहुत ज़्यादा गर्दी आपको दिखाई नहीं देगी जिस तरीके से और राज्यों में, क्योंकि हमने डे वन से जो है टेस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाई रखी और हम पेशेंट्स के तक पहुंच के उनको ट्रीट करने में ज़्यादा बिलीव किए। और बाकी के राज्यों में आप देखिए कि जिस तरीके से उन्होंने पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे डिस्टेंसिंग की बात की गई है, बाकी के राज्यों में जो है वो धार्मिक उत्साह करने के लिए ओपन किया गया था, जिसकी वजह से अब वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। हम लोग तैयार थे, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते गए, हेल्थ का बड़े बड़े जंबो फैसिलिटीज तैयार करते गए। हमारे पास आपके पास नंबर्स ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि पिछली बार भी हमारे पास नंबर्स ज़्यादा थे, लेकिन जो ट्रीटमेंट का हमने पैरामीटर तैयार किया गया था उसको ICMR ने जो है सराहना की थी कि और आप उसी को लागू सरकार ने तैयारी की, और हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना पर अंकुश लगाने में आपकी सरकार भी कामयाब रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा के लिए आपका शुक्रिया। आज शायद महाराष्ट्र के सभी दर्शकों का भी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।